नमस्कार। क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर एक चर वाले समीकरण के एमसीक्यू प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न जो जैक के द्वारा जारी किए गए थे, पूर्व वर्षों में जो वर्ग 8 के बोर्ड हुए हैं उनके प्रश्न पत्र एवं विभिन्न छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति से लिए गए हैं। आगामी इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न पत्र काफी उपयोगी रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि कई बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और जो प्रश्न आएंगे अगर अलग तरह अलग होंगे तो वो भी इन्हीं के पैटर्न पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, x-2=6 में x का मान होगा, तो समीकरण को कैसे हल करते हैं ये भी बता रहा हूं। तो ये देखिए, ये हमारा समीकरण है x-2=6। तो आइए इसे हल करते हैं। तो x=6, ये जो -2 है बराबर की इस साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8। तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये समीकरण है 2x+3=5। तो यहां हो जाएगा ये 2x=5 -3, ये +3 इधर आ गया तो -3 हो गया और ये बराबर 2 हुआ। तो x बराबर क्या होगा, ये 2 और ये बटा 2, क्योंकि ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ये आंसर 1, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये समीकरण है 5x+4=9×4x-5। तो आइए इसे भी हल करते हैं। तो यहां शुरू कर रहे हैं, इसे गुना करेंगे, यहां 5×x 5x हो जाएगा और ये 5×4 हो जाएगा 20 यानी 20, और फिर इधर करेंगे तो ये 36x-45, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समीकरण हल करने में जो चर वाले पद होते हैं उन्हें हम बाई ओर रखते हैं, तो यहां ये 36x है इसको बाई ओर लाएंगे तो ये -36x हो जाएगा, और इधर ये -45 है, ये +20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -65, और यहां 5x-36x इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा -31x=65 है, -65, तो x बराबर हो जाएगा -65/-31, और ये दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आया 65/31। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 11+6b=7। तो यहां इसे भी हल करते हैं, या ये 6b इधर रह गया तो ये हो जाएगा 7-11, ये 11 इधर आ गया तो ये हो गया -4, तो p=हो गया -4/6, तो ये जब कट जाएगा तो ये आ जाएगा -2/3, 2 से हम दोनों को कैंसिल किए तो ये -2/3, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, 16y+4, तो यहां y का मान निकालना है, तो इस समीकरण को हम थोड़ा उलट देते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम लिखते हैं y+4
16, तो y स्क्वायर टू हो जाएगा 16 माइनस 4 स्क्वायर टू 12, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं, अगर वह संख्या x हो। तो समीकरण जब बनाते हैं तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, जैसे उसमें कहा गया है बस वैसे करते जाना है। तो पहला यहां क्या कहा गया है, एक संख्या को 5 से गुना, और संख्या x है यहां, तो हम x को 5 से गुना कर दिए, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ते हैं, 3 घटाने पर, अब इसमें से 3 घटा दिए, 17 प्राप्त होता है, यानी बराबर 17 हो गया हमारा समीकरण तैयार, ये ऑप्शन नंबर 3। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसे हल करना है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो पहले भी हम हल कर चुके हैं, फिर से इसे हल करते हैं, 2x इक्वल टू 5 और ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 2/2 अर्थात 1, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 2y प्लस 3 इक्वल टू 9, और y का मान बताना है, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करेंगे, 2y प्लस 3 इक्वल टू 9 या 2y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2, ये गुना में है तो यहां भाग में आ गया, तो ये हो गया 3, तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, इसका समीकरण होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमने बताया था कि जब समीकरण बनाना होता है तो जैसे जैसे कहा गया है बस वैसा लिखते जाते हैं। आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए x वर्ष है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, इसमें 10 जोड़ देंगे, बस 10, उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, इसका तो 15 हो गया, x में 10 जोड़ दिए तो आ गया 15, ये कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15, आइए इसे हल करते हैं, एक्स बाई 3 इक्वल टू 7/15, और ये जो प्लस 1 था ना बराबर के इधर जब आता है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, ये जो आ गया एक भिन्न का घटाव आ गया, तो भिन्न का घटाव तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया 15, और यहां तो साथ ही होगा, घटाओ 15 का 15 हुआ अर्थात ये हो गया -8/15, तो यहां एक्स बाई 3 इक्वल टू आ गया -8/15, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया -8/15, और ये जो बटा में 3 है ना ये इधर गुना में आ जाएगा, ऊपर बराबर किधर लाते हैं तो 3 × 5 = 15, तो ये आ गया -8/5, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 5x प्लस 4 इक्वल टू 19, इसे भी हल करना है हमें, तो 5x इक्वल टू 19 और ये जो प्लस 4 था ना इसको इधर लाते हैं तो ये -4, तो ये हो जा रहा है 15, तो x बराबर 15/5, ये गुना था यहां भाग में आ गया तो 5 दिया ही 15, 3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसे भी हम हल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 2x इक्वल टू 3
और ये जो माइनस थ्री था ना, तो यहां हो जाएगा सॉरी माइनस वन बाई थ्री था, तो यहां हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री। तो ये भिन्न का जोड़ आ गया, जोड़ते हैं इसे, एलसीएम तो थ्री हो गया और ये तीन तिहाई, नौ जोड़ एक, तो ये दस बटा तीन। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटा 3 और ये 2 था यहां पर गुना में, तो यहां पर ये भाग में आ जाएगा 2, तो 2 से इसे हम काटेंगे तो ये 5, तो ये आ गया 5 बटा 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13, p by 7 is equal to 24, तो p is equal to क्या होगा, 24 into 7 और इसे गुना कीजिए, 7 चौके 28, 7 में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, यह कथन का समीकरण रूप है। तो जैसा पहले मैंने बताया है कि समीकरण बनाने में कुछ नहीं करना है विशेष, जैसे जैसे कहता है बस वैसे वैसे लिखते जाना है। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, तो ये संख्या तो नहीं बताया गया है क्या मानना है, चलिए हम और यहां पर देख रहे हैं x माना गया है, तो ये संख्या x है और इसमें 10 जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, ये 20 हो गया हमारा समीकरण तैयार, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। x माइनस वन इक्वल टू 5 में x का मान होगा, ये तो बड़ा आसान है हल करना, x इक्वल टू 5 और ये माइनस वन इधर आ गया तो ये प्लस वन हो गया और ये हो गया 6, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए फिर यहां समीकरण बनाना है, श्याम की आयु x वर्ष है, ये हमने लिख लिया x वर्ष, 5 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे 5, क्या हो जाती है उसकी उम्र, 20 वर्ष, इसका टू 20, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, 2x माइनस 1 इसका टू 3 में x का मान होगा, तो यहां हम इसे हल करते हैं, 2x इसका टू 3 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 यानी 4, तो x इसका टू हो जाएगा 4 बाई 2 इसका टू 2, ये 3। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना, और ये प्रश्न लिया गया है राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति से, ए और बी की उम्र 5:7 के अनुपात में है, आज से 4 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात 3:4 होगा, बी की वर्तमान उम्र है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, तो मैं डिटेल में बता रहा हूं, मान लिया कि ए की वर्तमान उम्र 5x, 5:7 था इसलिए हमें इसे 5x मान लिया, तो बी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 7x। अब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद ए की उम्र ये क्या हो जाएगी, जो वर्तमान है उसमें 4 ज्यादा हो जाएगा, वर्तमान में 5x था तो इसमें जोड़ देंगे 4। अब उसी तरह बी की उम्र जो 4 साल बाद होगी वो 7x प्लस 4, उसके बाद कहा जा रहा है कि अनुपात 3:4 हो जाएगा, कब, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद का ये उम्र है दोनों का, तो प्रश्न से 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इसका टू 3 बाई 4, ये 3:4 के अनुपात में हो जा रहा है,
तो अब इसको तिरछा गुना करेंगे, चार से इसे गुना करेंगे और तीन से इसे गुना करेंगे। तो जब चार से इसे गुना करेंगे और तीन से इसे गुना करेंगे, तो चार से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 20x प्लस 16, और तीन से इसे करेंगे तो 21x जोड़ 12। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 4 × 6 20x, 4 × 4 16, और 3 × 21x और 3 × 6 12। अब चर वाले जो पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 20x माइनस 21x और 12 घटाओ 16, तो यहां हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वल टू माइनस 4, अर्थात एक्स स्क्वल टू 4। तो हमें किसका चाहिए था, b की वर्तमान उम्र। तो b की जो उम्र हमने माना था कितना, b की उम्र जो वर्तमान उम्र है वो हमने क्या माना था, 7x, यानी 7 और x का मान हमारा क्या निकला, 4, तो 7 × 6 28। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 28 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 7:5 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। इससे पहले के प्रश्न में जिस तरह से हमने उम्र को मान लिया था, उसी तरह से हम लड़के की उम्र क्या मान लेंगे, 7x और लड़की की उम्र 5x, और कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, यानी ये लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या घटा दे रहे हैं, तो कितना आना चाहिए, 8। तो अब देखिए घटाने से क्या होता है, यहां 7x से 5x घटाए तो 2x हो गया, और ये इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 8/2 अर्थात 4। तो देखिए लड़कों की संख्या हमने मानी थी कितना, 7x, तो इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 7x इक्वल टू 7 × 4 इक्वल टू 28, और लड़कियों की संख्या ये था हमारा 5x, यानी 5 × 4 इक्वल टू 20। तो हमें तो विद्यार्थियों की कुल संख्या चाहिए, तो इसे जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, 48। तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगर ये एमसीक्यू में प्रश्न है तो हम इस तरह से अपने से रफ कर ले रहे हैं, रफ से हम आंसर ला रहे हैं, लेकिन अगर इसे डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि मान लिया लड़के की उम्र बराबर 7x, लड़कियों की लड़के की संख्या बराबर 7x और लड़कियों की संख्या बराबर 5x, और इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, 4p इक्वल टू 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर। तो यह इसको देखते हैं पहले, ये क्या है, एक सर्वसमिका पर है, और वो सर्वसमिका क्या है, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम उसी पर इसको बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा 4p इक्वल टू 47 प्लस 43 इंटू 47 माइनस 43, या 4p इक्वल टू, इससे जोड़ते हैं ये 90 और इसे घटाते हैं तो ये 4, तो या p इक्वल टू ये 90 × 4/4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया आंसर 90। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये जो 20 प्रश्न हमने आपको बताए और विस्तृत रूप से इसका हल हमने बताया, अगर आप ये 20 प्रश्न भी अच्छे तरह से दोहरा ले, अच्छे से समझ जाए, तो आप वो बोर्ड में या
किसी कंपटीशन में कोई परेशानी नहीं होगी। आशा है कि आपको ये प्रश्न काफी पसंद आए होंगे, ये जो हल है ये तरीका भी आपको काफी पसंद आया हो गया। धन्यवाद।